अंड्रू हुड्डा, जिसे बीजेपी ने टिकट देकर पूर्व मुख्यमंत्री के सीट पर उतारा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर बीजेपी ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मंजू हुड्डा का सामने आया है। जो ये कहा जाता है कि मंजू हुड्डा जहां एक तरफ एक गैंगस्टर की पत्नी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के सीट से मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा के लिए घोषित 67 कैंडिडेट की सूची में रोहतक जिले में नए चेहरों पर दाव खेला है। पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई पर मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। मंजू हुड्डा गैंगस्टर की पत्नी है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मंजू हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया में भूपेंद्र हुड्डा को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी। मंजू हुड्डा के लिए राजनीति नई नहीं है। हालांकि वह बीजेपी की ओर से भूपेंद्र हुड्डा के सामने उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चर्चा में आ गई। साल 2022 में रोहतक जिला परिषद के चुनाव में सर्वसम्मति से चेयरमैन निर्वाचित हुई थी। वही मंजू हुड्डा के पति का नाम राजेश उर्फ सरकारी है, वो रोहतक का नामी गैंगस्टर है। जब मंजू हुड्डा चेयरमैन बनी तो शहर में गैंगस्टर की पत्नी होने के कारण काफी चर्चा में रही। चेयरमैन चुने जाने के बाद मंजू हुड्डा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वह अपने पति के साथ फिर मंदिर में माथा टेकने पहुंची थी। मंजू हुड्डा के पति राजेश के ऊपर हत्या के प्रयास के अपहरण और लूट के दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले हरियाणा, यूपी और राजस्थान में दर्ज हैं। हुड्डा ने कहा कि वो गुरुग्राम के एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता प्रदीप यादव पुलिस में डीएसपी रहे। मंजू गढ़ी सांपला किलोई हल्के के गाँव धामण निवासी राजेश हुड्डा से शादी कर ली थी। मंजू हुड्डा ने बीजेपी से टिकट मिलने के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पति का पीछे चाहे कुछ भी अतीत रहा हो, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक समाज सेवी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हुड्डा कहती है कि पिता के बाद उन्होंने पति से बहुत कुछ सीखा है। राजनीति के अंदर वो पति के कहने से आई। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई हल्के के बेटे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगी। भाजपा नेतृत्व की तरफ से उनको केवल इतना कहा गया था कि वो धरातल पर लोगों के लिए मेहनत करें। अब पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। हुड्डा ने 2000 में पहली बार यहां से चुने गए थे। मंजू हुड्डा ने बीजेपी के टिकट देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वो सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय नजर आती है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंजू हुड्डा को लेकर बड़ा दाव खेला है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सीट से मंजू हुड्डा को टिकट दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।